हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी बढ़िया से होंगे। मैं भी बढ़िया से हूं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मेरे तरफ से आप सभी को नवरात्रि के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को सभी को अच्छे से रखे। और मेरा मॉर्निंग वॉक हो गया है, मैं घर पर आ गया हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज ये ब्लॉग में मैं मेरे पेरेंट्स जो कि मेरे पास आए हुए हैं उनको मैं ब्लॉग में इंट्रोड्यूस कराने का कोशिश करूंगा, आपसे मिलवाने का, और देखते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और आशीष अभी सोया हुआ है क्योंकि स्कूल का छुट्टी है, इट्स ऑलमोस्ट 7:35 हो रहा है। देखते हैं उसको उठाते हैं और थोड़ा सा आज स्टाइल में चेंजेस भी है, बहुत दिन से टाइम नहीं मिल रहा था। आशीष का भी बाल बड़ा हुआ है तो उसको हेयर कटिंग के लिए लेके चलेंगे। चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, नींद नहीं खुल रहा क्या तेरा? हाँ नहीं खुल रहा है? तो इतना रात को 2 बजे तक तू जगा रहेगा तो कहाँ से नींद खुलेगा तेरा? देखे थोड़ा चेहरा दिखा, व्यूअर्स को हाय बोल दे। हेलो, चलो अभी फ्रेश हो जाओ, हेयर कटिंग के लिए चलना है। चलो सूरज भाई, एकदम सिंपल रखोगे स्कूल में, नहीं तो कंप्लेन आ जाता, याद है ना एक बार? हाँ अभी आ गए हम लोग सलोन में, देखते हैं। आशीष क्लोज योर आईज, एकदम हिलना नहीं। चलिए सुबह आशीष अभी जैसा ऐसे ही छोड़ देगा, पीछे मस्त लग रहा। गया ना आशीष, देखें सर मेरे को। चलो आशीष हो गया ना, देखे ठीक है। चलो स्कूल बॉय गाइस, हम लोग तो आ गए हैं, हेयर कटिंग करा के आशीष करा लिया, मेरा नहीं किया। और मेरे को अभी थोड़ा एक काम से जाना होगा, ब्लॉग में हमको बताएंगे। आशीष का तो हो गया, अभी क्या करना है, जाके बनाना है तो।
हेलो फ्रेंड, सुबह में जैसा कि हम बोल रहे थे कि मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं और उनसे मिलाएंगे, तो इनफैक्ट अभी शाम को बज रहा ऑलमोस्ट 6:10। पापा तो है नहीं, वॉक में निकले हुए, बट मम्मी है, मम्मी से मिलवाते हैं। और मेरे घर में और भी गेस्ट लोग आने वाले हैं, मेरा छोटा भाई और बहन और मेरा बेटा, सबसे छोटा बेटा ईशान, उसको प्यार से हर्ष भी बोलते हैं, वो लोग भी आने वाले हैं 26 को। तो ब्लॉग में सबको ही से मिलाएंगे, आशा करते हैं आप लोगों को मज़ा आएगा। माँ हाय बोलिए सब। हाय, कैसे हैं? कैसे हूँ मैं, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया है। मेरा ब्लॉग देखते हैं आप? हाँ, कैसा लगता है? बहुत सुपर। बढ़िया ना, चलिए ऐसे आशीर्वाद दीजिए ताकि सब कोई लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। माँ भोग लग गया ना? जय माता दी, सब कुछ को बढ़िया से रखिए, माँ आशीर्वाद दीजिए, सब कुछ बढ़िया। बोलो साचे दरबार की जय, शेरा वाली माँ की जय। ये हम लोग का घर का मंदिर है, मेन गेट पे दीपक चलेगा। गाइस जब रेडी हो गए हैं, चलते हैं जिम के लिए। जिम में मोड़ा जा सकती है, आज वर्कआउट करना है। अच्छा, सैटरडे संडे दो दिन छुट्टी ले लिया, आज वर्कआउट करते हैं। चले जिम में मिलते हैं, देखते हैं अंदर डेविड भाई क्या कर रहे हैं। चले जिम में घुसते हैं, आ गए। नमस्ते डेविड भाई, कैसे हैं? आप बताएं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये है डेविड भाई, सर भी है, मेरे कोच है, सब लोगों को सदा में सकती रहे और ट्रेनिंग इनके अंडर में ही सुपरविजन में कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल बिगनर वाला ही चार्ट मेरा चल रहा है, क्योंकि 10 दिन हुआ है आफ्टर 12 ईयर्स। जैसे कि मैं मेरा ब्लॉग में भी बोला हूँ कि कॉलेज टाइम में एक्सरसाइज करता था और अभी एक्सरसाइज छोड़ दिया हूँ, वापस से शुरू कर रहा हूँ, तो शुरू हो गया। तो आज क्या है डेविड सर, आज क्या करना है? तो लास्ट डे इनको जो करवाए थे वो था चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर। तो उनमें से शोल्डर में इनके थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, उस दिन एनर्जी उतना नहीं मिल पा रहा था, तो शोल्डर उस दिन बंक हो गया था। तो आज जो होगा वो इनका होगा लेग, बैक और बाइसेप। मतलब तो लेग करना है, यानी घर जाना है तो पैर में दिक्कत? नहीं नहीं, उतना भी नहीं करवाएंगे, बस मतलब थोड़ा बहुत ही इंटेंसिटी रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, चलिए देखा जाए, लेट्स सी।